किसी ने बड़ा सोहना कहा कि एक भयानक जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज ते दुष्ट दोस्त तो वध डरना चाहिए है, क्योंकि जानवर तो सिर्फ तुहाडे शरीर नूं नुकसान पहुँचाउंदा है, पर एक धोखेबाज दोस्त तुहाडी बुद्धि नूं नुकसान पहुँचाउंदा है। सिर्फ एक माड़ा दोस्त ही तुहानूं अजिही हालत विच लिया सकदा है जिथे तुहानूं इह महसूस होण लगदा कि दुनिया बहुत बुरी है, हुण इत्थे जिउण दा कोई फायदा नहीं। ते इह उदों हुंदा है जदों तुहानूं धोखा दित्ता जांदा है, तुहानूं ठगिया जांदा है। ते धोखा भी उसे व्यक्ति नूं ही मिलदा है जिसने दूजे विच अन्ना विश्वास कीता होवे। असी कदे भी किसी ते एकदम पूरा भरोसा नहीं करते, विश्वास हौली हौली वधदा है, पर कुछ समय बाद यह भरोसा इन्ना पक्का हो जाता है कि असी उस व्यक्ति लई अपनियां अखां कन्न ते दिमाग बंद कर लैंदे हां। ते फिर अजिही स्थिति विच ही साडा सब तो भरोसेमंद व्यक्ति सानू इन्ना वड्डा धोखा दे दिंदा है जिस नाल असी दुनिया तो अपना भरोसा गुआ लैंदे हां ते असी हर किसी नू शक दी नज़र नाल देखना शुरू कर देंदे हां। असल विच देखा जावे तां इह संसार धोखे ते ही चल रहा है। असी अपनी जिंदगी विच कदे ना कदे किसी ना किसी नू धोखा देंदे ही रहिंदे हां ते दूजे लोग भी सानू धोखा देंदे जा रहे ने। दूसरे धोखा देण तां गल समझ भी आउंदी है, पर असी तां सालां तों अपने आप नू ही धोखा देंदे आ रहे हां। असी खुद नू इस तरह दीआं गल्लां समझा दिंदे हां जिस नाल सानू सच दा सामना ना करना पवे ते असी झूठी दुनिया विच ही गुआच रहीए। धोखा दो धारी तलवार वांग हुंदा है। सानू लगदा तां है कि असी सामने वाले नू धोखा दे के उस नू मूर्ख बना रहे हां, पर इह धोखे वाली तलवार जिन्नी गर्दन सामने वाले दी कटदी है भविख विच उन्नी ही गर्दन साडी भी कट जांदी है। दोस्तो, अज दी इस कहानी राही असीं सिखांगे कि असीं धोखे जां विश्वासघात तों किवें बच सकदे हां। ते वीडियो दे अखीर विच असीं धोखेबाज ते झूठे लोकां दीआं 10 निशानियां बारे भी जाणांगे। एक नौजवान बहुत गुस्से विच एक पहाड़ी दी चोटी तों छाल मार के खुदकुशी करन जा रहा सी। पहाड़ी दी चोटी ते पहुँचदिआं ही उह उच्ची उच्ची चीखिआ कि दुनिया इन्नी माड़ी क्यों है, इत्थे सारे ने स्वार्थी क्यों है, हुण मेरे जिउण दा कोई मतलब नहीं। उसे पहाड़ी दी सिखर ते एक महात्मा अपने सिमरन विच मगन सी। इस नौजवान दी क्रोध भरी गूंज दी आवाज़ सुन के उह ध्यान विचों जाग पए। उह देख के ही समझ गए कि नौजवान इत्थे खुदकुशी करन आया है। उह व्यक्ति पहाड़ी तों छाल मारन ही वाला सी कि महात्मा ने उसका हाथ फड़ के उसनू पिछे खिंच लिया ते कहा कि होया कि अगे दा रस्ता खत्म हो गया है। नौजवान ने कहा कि किहड़ा रस्ता, इत्थे तां कोई रस्ता ही नहीं है, मैं इत्थों छाल मार के खुदकुशी करन वाला। महात्मा ने कहा मरना तां इक दिन सारिआं नूं ही है, पर तैनू इन्नी काली क्यों है? नौजवान ने कहा क्योंकि यह दुनिया रहण दे लायक नहीं है, इत्थे हर कोई स्वार्थी है, हर कोई धोखेबाज है, जिस ते भी मैं भरोसा किया सारिआं ने मेरे नाल धोखा किया, मेरे सके भरा ने मैनू धोखा दिता, मेरे दोस्तों ने मैनू धोखा दिता, पर अज तां हद ही हो गई, मेरी पत्नी ने भी मेरे नाल धोखा किया, वह एक अमीर व्यापारी नाल चली गई, इन्ने धोखे मिलण तों बाद हुण मेरा इस दुनिया विच रहण दा कोई मतलब नहीं रहा। इस स्वार्थी संसार विच कोई भी भरोसेयोग नहीं है, इसे लई मैं खुदकुशी करन जा रहा। महात्मा ने कहा कि तू स्वार्थी नहीं है, कि तेरे ते भरोसा किया जा सकता है? वह नौजवान बोलिया मैं अज तक किसी नाल धोखा नहीं किया, किसी नाल भी विश्वासघात नहीं किया, तुसी चाहो तो मेरे पिंड जाके पुछ सकते हो, लोग ही अक्सर मेरा फायदा उठाते ने, पर मैं अज तक किसी का बुरा नहीं किया। महात्मा ने कहा मैं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता,
तैनू यह साबित करना पवेगा कि तू एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति ने पूछया कि यह साबित करने लई मैनू की करना पवेगा। साधु ने कहा कि अगले एक साल तक तैनू मेरे आश्रम विच रहना पवेगा, तद ही मैनू पता लगेगा कि तू एक ईमानदार व्यक्ति है जां फिर तू भी बाकी सारिया वांग ही है स्वार्थी ते धोखेबाज। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं एक साल तुहाडे आश्रम विच तुहाडे नाल रहांगा ते अपने आप नू साबित करांगा। साधु उस नौजवान नू अपने नाल अपने आश्रम विच लै गए ते उस नू अपना चेला बना लिया। अगले दिन सवेरे महात्मा ने उस नौजवान नू अपने कोल बुलाया ते कहा, मैनू तेरे ते भरोसा नहीं है, पर फिर भी तू जाके भिख्या मंग के लैके आ। उस नौजवान ने गुरु नू मत्था टेकिया ते भिख्या मंगण लई चलिया गया। उसने अज तो पहला कदे भिख्या नहीं मंगी सी, जिदे कारण उसनू भिख्या मंगण विच बड़ी तकलीफ हो रही सी। उस दे मूहों भिख्या लई शब्द नहीं निकल रहे सी। उसकी हौमे उसनू भिख्या मंगण तो रोक रही सी, पर उसके अंदर एक होर हौमे पैदा हो रही सी, गुरु नू गलत साबित करन दा हंकार। इसलिए उसने भीख मंगी ते वह भीख लैके वापस गुरु को पहुँच गया। उदे हाथ विच भिख्या देख के गुरु ने कहा, तू कुछ तो भरोसे दे लायक है, मैनू लग्या सी कि तू भिख्या मंग नहीं पावेगा, पर तू मैनू गलत साबित कर दिता है, मेरे नाल मेरी कुटिया विच आ, उत्थे मैं तैनू कुछ दिखाउणा चाहुंदा। गुरु उसनू अपने नाल अपनी झौपड़ी विच लै गए। झौपड़ी दे उपर एक घड़ा लटकिया होया सी। गुरु ने उस घड़े वल इशारा करके कहा, तू इस घड़े नू वेख रहा है, इस विच जहर रख्या होया है, ते जहर भी अजिहा है कि जेकर किसी नू दे दिता जावे तां व्यक्ति बहुत आसानी नाल मर सकदा है, ते कोई जान भी नहीं पावेगा कि उसकी मौत किवें हुई। चेले ने कहा कि पर गुरुदेव तुसी ये मैनू क्यों दस रहे हो? महात्मा ने कहा, मैं बस तैनू सावधान कर रहा कि कदे भी गलती नाल इसनू खा ना लवी। कुछ दिन बाद गुरु अपने चेलिया नाल जंगल विचों लंघ रहे सी। उदों कुछ जंगली लटेरियां ने उन्हां ते अचानक हमला कर दिता। हर कोई अपनी जान बचाउण लई इधर उधर भजन लग्या, पर बुढ़ापे कारण गुरु भज नहीं पा रहे सी। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇਵ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਲਾ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਚੇਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੈਰਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਘੜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਜਵਾਨ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਵਾਰਥ, ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਈਰਖਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,
गुरु देव, मैं तुहाडा ही चेला बन के रहना चाहुंदा। मैं ये ज्ञान प्राप्त करना चाहुंदा कि मैं कौन हाँ, मैं की हाँ, तो मैं क्यों बदल जाना। गुरु ने कहा, साढ़े आले दुआले बहुत सारे लोग ने, ते बहुत सारे अजिहे लोग होए ने जो इस गल की मिसाल ने कि उन्होंने अपने स्वार्थ लालच ते ईरखा दे वस विच आ के कदे किसी नूं धोखा नहीं दिता, कदे किसी नाल विश्वासघात नहीं किया। एक व्यक्ति उदों ही धोखा दिंदा जदों उसनूं लगता है कि वह जो कर रहा है उसनूं कोई नहीं देख रहा, तो भविख विच भी किसी नूं इस बारे पता नहीं लगेगा, तो जो वह कर रहा है उही सही है। हालांकि फड़े जाण तों बाद अपने आप नूं बचाउण लई वह होर दलीलां दिंदा है कि मैं तां कुछ कर ही नहीं सकदा सी, मेरे कोल कोई होर रास्ता नहीं बचा सी, मैं मजबूर सी। पर हर धोखे दे पिछे दी सच्चाई यही हुंदी है कि बंदा उसनूं अपने फायदे लई जान बुझ के करदा है। गुरु ने चेले दियां अखां विच देखिया ते कहा कि याद रखी, जदों भी असीं किसे नूं धोखा दिंदे हां तां असीं उस दी अंतर भावना नूं ठेस पहुँचाउंदे हां, ते उह इन्नी बुरी तरह दुखी हुंदा है कि उसनूं किसे ते भी भरोसा नहीं रह जांदा, ते उह अंदरों बहुत दुखी हो जांदा है। उह बहुत उदास ते इकल्ला महसूस कर लगदा है। इसलिए जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि कोई तुहानूं धोखा ना दे सके तां अपनियां अखां कन्न ते दिमाग नूं खोल के रखो। लोकां ते भरोसा करो, पर इन्ना भी नहीं कि उह तुहाडा फायदा ही उठाउण लग जाण। हमेशा अपनियां सब तो महत्वपूर्ण चीज़ां दा नियंत्रण अपने हत्थां विच रखो, ते कदे भी अपनी जिंदगी दी वागडोर किसी होर नूं ना सौंपो, ते अपने आप दी भी समें समें ते जांच करो कि जिहड़े धोखे तो तुसीं बचना चाहुंदे हो किते उवें दा ही धोखा तुसीं भी किसी दूसरे नाल तां नहीं कर रहे, ते जेकर फिर भी कोई तुहानूं धोखा देवे तां निराश ना होवो, क्योंकि हर धोखा व्यक्ति नूं कुछ ना कुछ सिखा के जांदा है। धोखे दा शिकार होण तों बाद व्यक्ति पहलां नालों ज़्यादा सुचेत ते समझदार हो जांदा है। इसलिए सिर्फ एक धोखे की वजह नाल अपनी जिंदगी नूं बर्बाद ना करो, ते इस नूं सबक समझ के अगे वधो। गुरु ने कहा कि धोखेबाजा दियां ये 10 निशानियां एक चलाक व्यक्ति दियां जो तुहानूं धोखा दे सकदा है, तुहाडे मन की शांति तक खो सकदा है, ते तुहानूं निराशा दे डूंघे समुंदर विच डुबो के तुहाडी जिंदगी तक भी खत्म कर सकदा है। पहली निशानी, जो व्यक्ति धोखेबाज होवेगा वह झूठा होवेगा, वह तुहाडे तो सब कुछ लुकोवेगा, तुहानूं उस दे बारे दूसरे लोगों तो पता चलेगा, ते जदों तुसीं पुछोगे तां उह कहेगा कि वह दसना भुल गया। उस नाल लंबा समां बिताउण दे बाद भी तुसीं उस बारे बहुता नहीं जाणदे होवोगे कि वह तुहाडे बारे सोचदा की है, उसकी जिंदगी विच की हो रहा है। तुसीं हमेशा उस बारे दुविधा विच ही रहोगे, क्योंकि वह तुहाडे तो हर एक गल लुकावेगा, क्योंकि वह एक सच्चा इंसान है ही नहीं। एक सच्चे बंदे नूं कोई समस्या नहीं हुंदी अपने बारे दसण विच, वह तुहाडे नाल लगभग हर गल सांझी करदा है। पर जिहड़ा धोखेबाज होवेगा वह बहुत सावधानी नाल चलदा है। इसलिए इस गल ते सानूं गौर करनी चाहीदी है कि जिहड़े इंसान नाल असीं रिश्ते विच आ, जिस नूं असीं अपनी जिंदगी सौंपण जा रहे हैं, जिस नाल असीं प्यार ते विश्वास दा सौदा करन जा रहे हैं, कि वह एक खुली किताब वांग अपना सारा जीवन साडे नाल सांझा करदा भी है जां नहीं, जां फिर वह साडे तों चीज़ां लुकाउंदा है। जेकर वह छुपाउंदा है तां उह व्यक्ति बहुत वड्डा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जिहड़ा व्यक्ति धोखेबाज हुंदा है ते जिसदा साडे नाल कोई सच्चा प्यार नहीं हुंदा, वह कदे भी साडी परवाह नहीं करदा,
असीं उसकी जिन्नी मर्जी परवाह करिए, उस लई कुछ भी करिए, पर वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। तो ये एक बार नहीं, वार वार देखने को मिलेगा। पर असीं इसनूं देख के भी अणदेखा कर देंदे आ। ये साडा कसूर है। असीं अपने मोह दे कारण सच अखां दे सामने होंदे होए भी उसनूं देख नहीं पाउंदे। ये साडी कमी है। जे असीं थोड़ा सचेत हो के देखण दी कोशिश करिए तां सानूं पता लग जाएगा कि उसनूं साडी कोई परवाह नहीं। तीसरी निशानी, जो व्यक्ति धोखेबाज हुंदा है वह बहुत वड्डा झूठा भी हुंदा है। उस दीआं आपणीआं गल्लां ही अपने नाल मेल नहीं खांदीआं। उसकी जुबान वार वार बदलती रहती है। वह अपनिया ही गल्लां ते खरा नहीं उतरदा। पर असीं उस दीआं झूठियां सच्चियां गल्लां विच फस जांदे आं, इसलिए असीं उसनूं पछाण नहीं पाउंदे। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति साढ़े सामने तो साड़ी चापलूसी करेगा, झूठी तारीफ करेगा, पर वह कदे भी साड़ी पिठ पिछे जां दूजिआं नाल साड़ी प्रशंसा नहीं करेगा ते सानू इज्जत नहीं देवेगा। असीं उहदे लई भावें मर भी क्यों ना जाइए, पर वह कदे भी साड़ी प्रशंसा नहीं करेगा ते कदे भी सानू अपनी जिंदगी विच ओनी अहमियत नहीं देवेगा जिन्नी क असीं उसनूं दिंदे आ, क्योंकि वह एक दिन सानू धोखा देण वाला है। तो इस तों पहलां सानू बहुत वड्डा धोखा मिले, बेहतर है कि असीं पहलां ही सावधान रहिए। पंजवीं निशानी, वह की कहिंदे ने उस ते ध्यान ना दिओ, सगों वह तुहाडे नाल की करदे ने उस ते गौर करो। क्योंकि गल्लां कहणियां बड़ियां सौखियां ने पर करनियां बहुत औखियां। ज़्यादातर लोग इन्हां गल्लां ते आके ही फस जांदे ने, इसलिए वह तुहाडे नाल चाहे जिन्नियां भी गल्लां करन, चाहे किन्ने भी वादे करन, उन्हां ते उदों तक विश्वास ना करो जदों तक वह तुहानूं करके ना दिखा देण। छेवीं निशानी, अक्सर प्यार दे रिश्तिआं विच देखिआ जांदा है कि एक धोखेबाज व्यक्ति अपने नाल प्यार करन वाले नूं इस तरह लैंदा है जिवें सामने वाला हमेशा लई उस लई मौजूद रहण वाला है, वह किते नहीं जाण वाला। इत्थे ही प्यार रहेगा उस लई किसे खिडौने वांग। वह ना इज्जत दिंदा है ते ना ही सन्मान। ते जेकर उन्हां तों सन्मान दी भीख मंगी जावे तां वह होर भी बेइज्जत करदे ने। जे किसे नूं रिश्ते विच भीख मंगणी पवे, गिड़गिड़ाउणा पवे कि मैनूं समां दिओ, मेरे नाल गल करो, इस तों घटिया रिश्ता होर कोई हो ही नहीं सकता। जिहड़ा तुहानूं सच्चा प्यार करेगा वह आप ही चाहुंदा है कि उसका बहुता समा तुहाडे नाल बीते, ते जिस तों तुहानूं समय की भीख मंगनी पवे, समझ लिओ कि उसके अंदर तुहाडे लई कोई प्यार नहीं है। सतवीं निशानी, उस कोल हर काम लई समा होवेगा पर तुहाडे लई कदे समा नहीं होवेगा। वो जिंदगी विच तुहाडे खातर कुछ नहीं छड़नगे पर तुहानू कदे भी छड़ देणगे। वो तुहाडे नाल गल उदों ही करनगे जदों उन्हां दा मन होवेगा, ना कि उदों जदों तुहानू उन्हां दी जरूरत होवेगी। वो तुहानू तां किसी दूसरे इंसान नाल बदल सकदे ने पर तुहाडे लई कुछ नहीं बदलणगे, ना अपणियां आदतां, ना अपना सुभाअ, ते ना ही अपना आराम। अठवीं निशानी, वो कदे भी तुहाडे प्रति समर्पित ते वचनबद्ध नहीं होणगे कि चाहे कुछ भी हो जावे असीं तुहाडे नाल आ, समा कोई भी होवे असीं तुहाडे नाल रहांगे। वो सिर्फ अपनियां शर्तां ते ही तुहाडे नाल रहणगे। जदों जदों भी उन्हां नूं आराम होवेगा ते कुछ चंगा महसूस होवेगा वो तुहाडे नाल रहणगे। ते जे उन्हां नूं थोड़ी जी भी तकलीफ हुई तां फिर वह चले जाणगे, क्योंकि वह कदे भी अपने आराम तों बाहर आ के तुहाडे लई कदे भी कुछ भी नहीं करन वाले। नौवीं निशानी, वह तुहानूं हमेशा दुख पहुँचाउंदे रहणगे। कई बार जाण बुझ के, कई बार उन्हां नूं पता भी नहीं लगता
कि वह तुहानू किन्ना दर्द दे रहे ने ते तुहाडे दिल नू ठेस पहुँचती रहेगी। जो इंसान तुहानू सच्चा प्यार करता है उस दे नाल तुहानू खुशी महसूस होगी, उस दे नाल रहन नाल तुहानू अजिहा महसूस होगा जिवें तुसी हल्के जे हो के हवा विच उड़ रहे हो। ते जेकर तुसी एक गलत व्यक्ति नाल रिश्ते विच हो तां सब कुछ भारी भारी ते बोझ लगेगा, अजिहा लगेगा जिवें कुछ सही नहीं हो रहा। तुहाडे अंदरों ये आवाज़ आवेगी कि ये रिश्ता तुहाडे लई ठीक नहीं है, पर जेकर तुसी उसनू सुन के भी उसनू अणसुणिया कर देंदे हो तां फिर ये तुहाडा कसूर है। दसवीं निशानी, तुसी उन्हां दी जिंदगी च किते नहीं हुंदे, कोई खास जगह नहीं हुंदी तुहाडी उन्हां दी जिंदगी विच। वो जदों भी चाहण बड़ी आसानी नाल तुहानू अपनी जिंदगी विचों कट बाहर कर सकते ने, ते उन्हां कोई फर्क भी नहीं पवेगा। जेकर तुहानू विश्वास नहीं ते सच्चाई जाननी है उन्हां दी तां कुछ दिनां लई उन्हां दी जिंदगी तो गायब हो जाओ। इस नाल उन्हां नू मासा भी फर्क नहीं पवेगा, सगों वो ज़्यादा खुश होणगे कि चंगा होया कि समस्या दूर हो गई साडी जिंदगी तो, हुण असीं आज़ाद हाँ, हुण असीं जो चाहिए कर सकते हैं। दोस्तो, जेकर तुसीं भी अजिहे किसी इंसान नाल रिलेशनशिप विच हो तां जल्दी तो जल्दी होश विच आ जाओ ते इस विचों बाहर आ जाओ। यकीन करो, अजिहे रिश्ते तो बाहर आके तुहानू शांति, सुकून, प्यार सब कुछ मिलेगा। ते की ये दुनिया विच उही एक व्यक्ति है? जेकर तुसी एक माड़े इंसान नू छड़दे हो तां 10 चंगे लोग आउणगे तुहाडी जिंदगी विच, जो तुहाडे जीवन विच तुहानू सत्कार ते प्यार देणगे। पर जिन्ना चिर तुसी अजिहे नकली व्यक्ति नाल जुड़े रहोगे तुहानू दूसरे चंगे लोग दिखणगे ही नहीं। पर जिवें ही तुसी अजिहे धोखेबाज व्यक्ति नू छड़ दिंदे हो तुहाडी जिंदगी विच चंगे लोग आउणे शुरू हो जाणगे। ते एक गल होर, अजकल जिन्हां लोकां दे नाल रिश्ते विच प्यार विच धोखा हुंदा है वह अक्सर कहिंदे ने कि प्यार व्यार कुछ नहीं हुंदा, सब कुछ एक धोखा हुंदा है। अजकल तां सब कुछ झूठ है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। वह इंसान जिन्हें तुहानू धोखा दिता वह प्यार दा मतलब नहीं जानदा सी, पर अज भी दुनिया विच अजिहे बहुत सारे लोग ने जो प्यार करना जानते ने ते उसनू निभाउणा भी जानते ने। इस गल नू समझो कि जिहड़े जिहड़े लोकां नाल धोखा होया वह तां अपने तरफों सच्चा प्यार कर ही रहे सी ना। प्यार तां परमात्मा दी दात है ते इह संसार प्यार उत्ते टिकिया होया है। जेकर कोई गलत इंसान तुहाडे प्यार नू नहीं समझ सकिया तां इस दा मतलब यह नहीं कि इस दुनिया विच प्यार नहीं है। ये दुनिया प्यार ते ही चलती है, ये हसदी नचदी दुनिया सिर्फ प्यार करन वालियां दे बदौलत ही है। ते अंत विच एक गल होर, जेकर तुहानू तुहाडे परिवार के मैंबरां द्वारा धोखा मिले जां फिर तुहानू कोई गलत फहमी हो गई होवे तां एक दूजे दीआं गल्लां नू समझण दी कोशिश करो, एक दूजे नू जाणो, एक दूजे नू माफ करो, क्योंकि तुहानू बहुत सारे लोग मिल जाएंगे पर तुहानू अपने परिवार वर्गे लोग पूरी दुनिया विच होर किते नहीं मिलेंगे। हाँ, उन्हां दी गल वक्री है जो तुहाडे परिवार तो थोड़े बाहर दे लोग ने, जिवें तुहाडा दोस्त, कोई दूर दा रिश्तेदार जां गुआंढी, पर परिवार दे मैंबरां नू माफ करन विच ही समझदारी हुंदी है। सो दोस्तों, मैनू उम्मीद है कि तुहानू ये वीडियो पसंद आई होगी ते जिंदगी जीउण लई कुछ कीमती गल्लां सीखण नू मिलियां होणगियां। इसे तरह दीआं वीडियोज़ तुहाडे लई लैके आउंदा रहांगा। जुड़े रहो पंजाबी अल्फाज दे नाल। बहुत बहुत शुक्रिया।